नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानकी नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आ गई हूँ चाची जी के यहाँ, बलौआ था तो उसी में आई हूँ। तो यहाँ पे गांव की सभी औरतें देखे इकट्ठा हुई हैं, नाच बजाना हो रहा है। सभी गांव की आई हुई हैं, लेकिन हम घर के हैं तो हमें आना ही पड़ेगा। और चाची जी ने मतलब उनकी लड़की आई हुई थी, उसी के ददरे कह लीजिए, उसी की बुलावा उन्होंने दिया था, तो आ गए हैं मैं और अम्मा दोनों, और जेठानी भी आ गई हैं। मतलब घर के भी सभी लोग आ गए हैं और गांव के भी। तो मैं और अम्मा देखिए यहाँ पे साइड में बैठे हुए हैं। अम्मा ये देखिए, ₹10 मैं बनाती हूँ। कहाँ देने? अर्पिथन की दादी को। ये हो गया है और झाड़ू लगाना है, और अम्मा के यहाँ भी जाना है क्योंकि अम्मा के यहाँ काम चल रहा है। तो उनके यहाँ कलेवा बनाने यानी नाश्ता बनाने के लिए बुला रही है मुझे। तो मैंने सोचा पहले अपने घर में झाड़ू तो कम से कम लगा ही दूँ, उसके बाद जाऊँ उनके घर पे। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं। और घर ना अभी पूरा गंदा पड़ा है, मिट्टी यहाँ से हटानी है, 7 जगह की मिट्टी क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अम्मा के यहाँ काम लगा हुआ है और इसीलिए अम्मा मुझे बुला रही थी, क्योंकि रात में थोड़ा सा जग गई थी, इसी वजह से उनसे कुछ हो नहीं पा रहा था। तो मुझे बोल गई हैं कि मैं जल्दी से चली जाऊँ। बिल्कुल सुबह सुबह का ही समय हो रहा था, अभी बस मैंने हाथ मुँह ही धो ही पाई थी और उसके बाद झाड़ू मुझे लगाना था, लेकिन अम्मा बुला गई थी तो उन्हीं के यहाँ जाना था, इसी कारण मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर झाड़ू लगाने में लगी हुई हूँ। और ये थोड़ी सी यहाँ पे मिट्टी रखी है जो कि किचन के इस तरफ दीवार पे लगानी है, इसलिए अभी रखी हुई है, वरना इसे यहाँ से हटा देते। तो नाश्ता कलेवा बनाना है क्योंकि बाहर मजदूर लग रखे हैं और छत मतलब डल रहा है, इसके कारण नाश्ता ज़्यादा बनाना था सभी लोगों के लिए, तो इसीलिए जाना है जल्दी से। और अम्मा देखिए आ भी गई थी मसाला पिसवाने के लिए। मिक्सर है क्योंकि हमारे यहाँ, और सिलौटी में अम्मा को पीसना होता है तो अम्मा कभी कभी यहीं से ही पिसवा लेती हैं मसाला। तो दोस्तों झाड़ू यहाँ पे मैंने लगा लिया है और अब मेरे इधर के खुले हुए हैं। लगाए दे रही जाके। दोस्तों यहाँ पे अम्मा ने खाना बनाने की सारी तैयारी देखी कर ली है, और पूड़ी और सब्जी बनानी, आलू की सब्जी और पूड़ी। तो आटा यहाँ पे अम्मा ने निकाल के रख लिया है, मसाला पीस ही गया था मिक्सर में, और अब चूल्हा जला लेते हैं पूरा खाना बनाने के लिए। और ये गेट भी देख रहे होंगे आप सभी, तो ये गेट भी उसी काम के लिए ही आया है, लगाने के लिए गेट। तो मैंने अब यहाँ पर पहले तो चूल्हा चला दूंगी, और अम्मा यहाँ पे पूड़ी बनाने के लिए आटा गूंथने की तैयारी कर रही हैं, मतलब आटा गूंथ रही हैं। और सब्जी की सारी तैयारी हो गई है, तो पहले मैं सब्जी बना दूंगी। तो अम्मा की कढ़ाई ना बहुत बड़ी है, चाहे तो 10 जनों का 20 जनों का भी खाना बन जाए, सब्जी बन जाएगा इसमें, बहुत बड़ी कढ़ाई है। और चाहे उन्हें थोड़ी सी ही सब्जी बनानी होती, लेकिन वही इसी कढ़ाई में हमेशा बनाती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आलू कट करके रखा है, और ये मसाला इतना डाल दिया, सूखा सूखा पीस रखा था लेकिन मसाला था ज़्यादा, लहसुन का छौंका दे दिया था, उसके बाद डाल दिया है इसमें मसाला। मसाला को भुनने दूंगी, और जब तक अम्मा देखिए यहाँ पे आटा गूंथने में लगी हुई हैं,
और मैं सब्जी बना रही हूँ। हम दोनों की आपस में बातचीत भी होती जा रही थी, कुछ कुछ बात घर की बात जैसे कि हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है घर में, कभी कुछ, तो वही सब बात को लेके हम दोनों की आपस में बात भी चल रही है और बात करते करते अपना काम कर रहे हैं दोनों जने। तो दोस्तों, आप सभी के घरों में भी कौन कौन ऐसे सास बहू दोनों मिलके इकट्ठे खाना भी बनाते हैं, और मतलब कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अब देखिए पूड़ी बनने लगी है, सब्जी बन गई है सभी लोगों के लिए और पूड़ी अब बन रही है। पराठे वैसे तो बनते हैं नाश्ते में, लेकिन पराठे बनाने में थोड़ा सा ना टाइम लगता है और पूड़ियाँ जल्दी जल्दी ही बन जाती हैं, तो इसी कारण पूड़ी अम्मा निकालने के लिए बोल रही थी और यहाँ पे इतनी सारी पूड़ियाँ निकाल ली हैं और दोनों आपस में बात करते जा रहे हैं। लेकिन ये है कि मेरा और अम्मा का रिलेशन वैसा नहीं है, सास बहू वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ठीक है। मेरे ख्याल से आपने सभी चीज़ देखा है दोस्तों, कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, चाहे प्यार हो, कुछ लेना देना हो, मैंने आप सभी के साथ सब कुछ शेयर किया है, कुछ ऐसा छुपाया नहीं है कि घर के बीच की बात आप सभी से मैंने छुपाई नहीं है। आप सभी ने ये ज़रूर गौर किया होगा मेरे ब्लॉग में। तो अब देखिए अम्मा बाहर आ गई हैं और मैं अंदर पूड़ियाँ तल रही थी। बाहर देखिए यही काम चल रहा है, ये छत डल गई है और यहाँ पे लोग पिसाई उठा के ले जा रहे हैं, मतलब आटा पिसवा के ले जा रहे हैं अपने घर को। ये है हमारा फाटक, फाटक के अंदर हैं घर परिवार के लोग और यहाँ पे बन रहा है अम्मा का टॉयलेट, कह लीजिए बन रहा है। और अब देखिए मैं कमरे में, अब मुझे ना इतना खाना बनाने के बाद ध्यान आया था कि मैंने आज चाय नहीं पी है, तो मैं जाके अपने घर से दूध लेके आई, अपनी छोटी वाली कढ़ाई लेके आई और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए चाय चढ़ा दी है। और अभी थोड़ी सी और रोटियाँ बनानी है दोपहर के लिए, लेकिन अम्मा ने कहा कि अभी ही बना लो फिर, वरना दोपहर में बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम आटा गूँथ लो और अभी ही रोटियाँ कुछ बना लो, क्योंकि पूड़ी तो सिर्फ नाश्ता के लिए था और रोटियाँ थी दोपहर के लिए। अचरज की बात है कि मैं सुबह चाय के बगैर रहती नहीं और आज मुझे चाय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा था और अब जाके लगभग बज गए हैं 9 और तब जाके मुझे चाय की ध्यान आई। तो दोस्तों यहाँ पे अब आ गए हैं घर में और जो भी बाहर का काम था ना, छत का काम जो चल रहा था वो हो गया है, तो आस्था के पापा भी फ्री हो गए हैं तो वो आ गए हैं थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाने। इन्होंने जो लकड़ा लगा दिया लकड़े को काट रहे हैं, लेकिन ये लकड़ी कटता नहीं है, इसे पूरा निकालना पड़ता है, कट नहीं पाता, कटने भी आ रही दीवार भी और मतलब जो मिट्टी नहीं लगाई थी वो भी ख़राब हो रही थी, तो जाके आखिर में इस लकड़ी को आस्था के पापा निकाल लेते हैं। और दोस्तों चलिए आज पूरे घर को करना है मिट्टी से पुताई, तो उसके लिए यहाँ पे जो मिट्टी हाँ खुदाई आज होने वाली है मिट्टी से लिपाई, उसी वही वाली मिट्टी यहाँ पे पीली मिट्टी निकलती है, यहाँ पे जब हम खुदाई करते हैं वही पीली मिट्टी को पहले पानी में घोलने के लिए यहाँ पे मैं पानी में डाल दे रही हूँ, बाल्टी में पानी भरा उसी में मैंने डाल दिया है और अब इस मिट्टी को अच्छे से घोल लेंगे। इसमें दोस्तों बहुत सारे ना ककड़े निकलते हैं, तो ये कंकड़ हम फेंक देंगे और सिर्फ मिट्टी को रहने देंगे। और दोस्तों ये मिट्टी देखने में बिल्कुल आपको लग रही होगी काली जैसी, लेकिन ये जब सूख जाती है दीवार में लगने के बाद तो बिल्कुल पीली रंग की हो जाती है, वो आप देख पाएंगे आखिर में जब पूरा हमारा घर का जो पुताई है वो सूख जाएगा जब। तो दोस्तों इतनी मेहनत आज हो गई है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो आज चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके ही जाएं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा लगे हुए हैं मिट्टी से पुताई करने में।
और आस्था के पापा जग गए थे लगभग 3 बजे, इन्होंने अलार्म लगाया था लेकिन 2 ही बजे फोन आ गया किसी का, तो 2 ही बजे इन्हें जगना पड़ा था। फिर मतलब 2 ही बजे से जग के 1 घंटा फिर सो गए थे, फिर 3 बजे उठे, फिर उन्होंने आटा पीसा, आटा पीस के नहीं गेहूं पीसा, और गेहूं पीसने के बाद पापा का काम 4 बजे से स्टार्ट हो गया था आज वाला काम। तो अभी आस्था के पापा ना बिल्कुल मतलब थके हारे हैं बिल्कुल, तो मैंने कहा कि आप ना सिर्फ ऊपर ऊपर की पुताई कर दो, पूरी नीचे नीचे की पुताई मैं कर दूँगी। तो इसीलिए आस्था के पापा सीढ़ियाँ ले आए हैं और ऊपर ऊपर की पुताई कर देंगे और नीचे की पुताई फिर मैं कर दूँगी। तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, एक तो दुकान का सारा सामान भी लाना होता है, आटा पीसना होता है, और अभी जैसे अम्मा पापा का काम चल रहा है तो उसमें भी अगर नहीं करवाएंगे तो वो भी फिर गुस्सा हो जाएंगे, तो काम उनका भी करवाना ही होगा। तो जब तक उनका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, इनका काम बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, तो आप सभी समझ जाइए 3 बजे से जगे हुए हैं और अभी तक लगभग बज गए होंगे 11 और काम कर रहे हैं, तो थक जाता है शरीर इंसान का। फिर गुस्सा करने लगे थे जब इतना सारा काम कर लिए ना, अब इनका हो गया था बिल्कुल नहान धोने का टाइम, थक गए थे बहुत ज़्यादा ही। तो कोई नहीं, अब इतना सा ही रह गया ऊपर का एरिया, उसके बाद फिर मैं ही पूरे घर की पुताई मैं अकेले कर दूंगी। लेकिन मैंने कुछ काम आम नहीं किया था पहले, तो अब मैं सिर्फ इतनी पुताई मुझे करनी है वो मैं कर दूंगी। तो दोस्तों इसी तरीके से ना पूरे घर को, मिट्टी का घर है तो पहले छपाई, फिर गोबर से लिपाई, फिर मिट्टी से पुताई, फिर जाके कलर होता है, तब जाके ये घर ना जगमगाते हैं, ऐसे नहीं जगमगाते। और अभी आप खुद ही देख रहे हैं, हम इतने दिनों से इन्हीं घर मकान के ही काम में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि ढोंग है, ये ढोंग नहीं है, हमारे गांव में सभी लोग ढोंग ही कर रहे हैं। अगर ढोंग होता तो गांव के सभी लोग एकजुट होकर अपने अपने घर को ऐसे रिपेयरिंग करने में नहीं लगे रहते। तो गांव में दोस्तों यही सब होता है, मिट्टी से पुताई लिपाई, और है ही क्या गांव में, खेती बाड़ी की ज़िंदगी है, मिट्टी की ज़िंदगी है हर चीज़ में यहाँ पे। लेकिन ये है कि यहाँ पे बीमारियाँ कम हैं, और कुछ भी हो यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए गांव सही है। तो आस्था के पापा ने देखी पूरी दीवार लीप दी है, और यहाँ पे गोबर की लिपाई हो रखी है ना, इसलिए इस कपड़े को रगड़ रगड़ के करना पड़ रहा है, नहीं तो हो नहीं पा रहा है लिपाई, खुरदरा खुरदरा जगह है। और जहाँ पे अभी मैं लिपाई कर रही हूँ तो ये वाला बिल्कुल प्लेन जगह है, तो इसमें जल्दी से मतलब कपड़ा फिर जा रहा है, और जहाँ पे गोबर की लिपाई है वो खुरदरा खुरदरा सा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रगड़ के कपड़े को और लगाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे बाल्टी की मिट्टी ना ख़त्म हो गई थी, तो दोबारा से मिट्टी खोलना था और वो पूरा ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने मिट्टी भर दिया है बाल्टी में और पानी मिला दिया है, और फिर से लेके आई हूँ इसे, फिर से थोड़ा देर घोलना होगा सारी मिट्टी, जब तक बिल्कुल पिघल ना जाए और सब ककड़े ककड़े रह जाए, तो तब तक का टाइम दिया। और उसके बाद देखिए फिर से आ गई हूँ यहाँ पे लिपाई करने। तो ये दोस्तों खिड़की बनी हुई है, इसमें आस्था ने ना अपना सामान ठूस ठूस के भर दिया है, और मतलब ये खिड़की उसी का है, उसी के सामान इसमें डले रहते हैं। मैं चाहे जितना भी जितनी भी बार इस खिड़की को सही कर दूं, लेकिन खिड़की सही रह नहीं सकती, और आस्था इसमें अपने सामान हमेशा ऐसे भर के रख देती है। तो दोस्तों किचन में भी ऐसी ही जाली लगी हुई है, ये जाली है, और किचन में भी इसी प्रकार की जाली लगी है। और कमेंट आता है आप सभी का कि आप जाली लगा दो, जाली लगा दो, तो वहाँ पे ऑलरेडी जाली लगी हुई है, लगाने की ज़रूरत नहीं। ये है कि लेकिन जब मैं वीडियो शूट करती हूँ वहाँ का, तो ऐसा लगता है कि जाली वहाँ नहीं है, खाली है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे जाली लग रखी है। तो दोस्तों चारों तरफ की दीवार की पुताई हो गई है, अब रह गई है चूल्हे की तरफ की बारी। तो चूल्हे की तरफ ना मैंने पहले इसलिए लिपाई नहीं करी, क्योंकि चूल्हा अगर पहले लीप देती तो वो क्या होता, मिट्टी ना काली काली सी हो जाती, इसकी वजह से मैंने सोचा कि चूल्हे को आखिरी में लिपाई करूँगी। तो आ जाइए दोस्तों, अब आप सभी को दिखाते हैं घर, और घर कितना लिप गया है ये देखिए, यहाँ भी लिप दिया सारा। तो चारों तरफ की दीवार के बाद मैंने नर्दा की दीवार को भी कलर कर दिया है, और इस बैठक की दीवार को भी पूरा मिट्टी से पोत दिया है, और इसके बाद दोस्तों फिर होगा कलर इन पे। तो दोस्तों देखिए मेरी हालत क्या हो गई, पूरे में मिट्टी मिट्टी, आंखों में भी मिट्टी चला गया है।
कपड़े पूरे गंदे हो गए हैं, अभी पूरा यहाँ पे धोना बाकी है, तो पहले अभी धो देती हूँ यहाँ। तो वैसे तो दोस्तों इस फर्श को बहुत हद तक धो चुकी हूँ, अब थोड़ा बहुत रह गया था धोने के लिए, तो और धो दे रही हूँ। लेकिन कितना भी अभी एक दो दिन ना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकलेगी ही, और जितना मेरे से हो पाया मैंने यहाँ की पूरे की सफाई कर दी है। पूरे में नीचे नीचे मिट्टी एकदम गिरा हुआ था, तो पहले तो मैंने झाड़ू से सारा छुटाया, उसके बाद पानी से डाल डाल के धोया, और अब बीच का जो मिट्टी मतलब पूरे जगह का बह गया आ गया था, उसे झाड़ू लगा के साफ कर रही हूँ। सामान भी इधर उधर सारे डले हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए इस कलर का कर दिया है हमने, अभी ये पूरा पीली मिट्टी से पुत गया है। इसके बाद अब हम कलर से इस पर कलर कर सकते हैं, जो भी कलर हम करना चाहें। और मैंने फिर उधर भी इस वाली दीवार पे भी कलर कर दिया है, ये सामने वाली दीवार पे भी मिट्टी का कलर हो गया है। बस ये किचन रह गया है, तो इसको ये थोड़ी सी रिपेयरिंग भी इसमें रह गई है, तो रिपेयरिंग के बाद इसे भी ऐसे ही पीली मिट्टी से पोत देंगे, उसके बाद पूरे घर को कलर कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।